हेलो एवरीवन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नीट 2023 का फॉर्म रिलीज़ हो गया है और आप एनटीए की साइट पे जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिसेंटली दो तीन कंट्रोवर्सी थी, दो तीन इश्यूज़ थे जो बच्चों को परेशान कर रहे थे। मैं डायरेक्टली उन्हीं को क्लियर करूँगा। सबसे पहला इशू था एज लिमिट को लेकर, और दूसरा इशू बच्चों को लेकर था कि क्या सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। तो दोनों पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, पर मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि कोई ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम एज को लेकर बात कर लेते हैं। तो एज में जो एलिजिबिलिटी है हमारा, उसको लेकर ब्रोशर में जो दे रखा है वो हम एक बार देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर नीट 2023, जिसका बर्थ 31/12/2006, मतलब जिसका जन्म जो है 31 दिसंबर 2006 के बाद हुआ है, पहले हुआ है, वही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज दे रखी है 17 ईयर। अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट। आप यहाँ देख सकते हैं अपर एज लिमिट हमारे पास यहाँ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एज लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अटैम्प्ट ख़त्म नहीं हुए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और यहाँ पे जानना चाह रहा था कि क्या हमारा 2022 में भी कुछ अपर एज लिमिट थी। अगर आपको दिखाऊं कि ये 2022 का हमारा ब्रोशर है जो मैंने कहीं से खोजा है, ये ठीक है, तो 2022 का जो ब्रोशर था उसमें भी अपर एज लिमिट थी नहीं। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ, वहाँ भी हमारे पास अपर एज लिमिट में बोला गया था कि एनएमसी की कोई मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा, है ना। हमारे पास एनएमसी की कोई मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा, पर कोई एज लिमिट उस वक्त नहीं दिया गया था। मतलब अगर एज लिमिट की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज सच कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एनएमसी की मीटिंग 21 अक्टूबर 2021 को कुछ होनी थी, वहाँ से डिसाइड हुआ कि अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोला उन्होंने। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर भी अपर एज लिमिट नहीं थी, इस साल भी अपर एज लिमिट नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैंने इस साल भी आपको बताया था कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, तो जब हम सिलेबस में आते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है सिलेबस पे यहाँ पहुँचने में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या सिलेबस दे रखा है। हाँ, ये देखिए, ये सिलेबस वाला है। अब जो बायो की मेरी समझ है, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधे। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। जब हम बायो के सिलेबस में आते हैं तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, जो लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं सेम लाइनें 2022 में थी। मतलब 2022 के ब्रोशर में हमारे पास अगर आप देखेंगे वहाँ भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं था। मतलब जो सिलेबस 2022 के ब्रोशर में दे रखा है वही सिलेबस हमारे पास इसमें दे रखा है। तो इसका मतलब मैं दोनों को डाल दूंगा आपको ये ग्रुप में, आपको पता भी चल जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देख सकते हो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मतलब अगर आप एज सच देखो सेम चीज़ें, अगर एनाटॉमी वाली यूनिट की बात कर रहे हैं, सेम चीज़ें यहाँ एनाटॉमी वाली यूनिट के लिए लिखी हुई हैं। अगर आप देखो ये वाला मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, बिल्कुल सेम लाइनें। जैसे कुछ बच्चों को डाउट था कि मॉर्फोलॉजी में से ये हट गया वो हट गया, तो जो लाइनें लास्ट ईयर ब्रोशर में लिखी थी वही इस साल भी लिखी हैं। आप देख लो, सेम लाइनें यहाँ लिखी हैं, सेम लाइनें यहाँ लिखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, ना एज लिमिट में कोई बदलाव है, ना सिलेबस में कोई बदलाव है। तो आप शांति से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और इस तरह के चीज़ों में मत फंसा करो। चुपचाप से एग्ज़ाम दो, प्रॉपर फॉर्म फिल करो और उसके बाद अपना एग्ज़ाम 7 मई को दो और पूरी मेहनत करो। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान मत हुआ करो। ठीक है, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।